कोरोना काल के बाद अब स्थिति सामान्य होती जा रही है। महामारी के कालखंड में हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है और संगीत जगत भी इससे अछूता नहीं रहा। संगीत कलाकार कॉन्सर्ट्स नहीं कर पाए और दर्शकों ने भी रूबरू कार्यक्रम सुनने की कमी को महसूस किया। दिल्ली NCR में कोरोना की पाबंदियों को हटाने के बाद कलाकार और संगीत रसिक जो संगीत समारोह का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म हुआ है। SRF फाउंडेशन और स्मिक मैक के द्वारा 2 दिन के संगीत जलसे का आयोजन किया गया, जिसका नाम था म्यूजिक इन द पार्क। संगीत का यह 2 दिन का समारोह 26 से शुरू होकर 27 मार्च को खत्म हुआ। कार्यक्रम में बतौर अतिथि मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी शिरकत की। शनिवार शाम 4 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत संजीव और अश्वनी शंकर के शहनाई वादन से की गई, जिसके बाद संजय सुब्रमण्यम और उल्लास काशकर ने राग भैरवी से सबका मन मोहा। विक्कू विनक्रम के घाटन वादन पर सभी दर्शक झूम उठे, जिसके बाद प्रवीण सुल्ताना ने भी समा बांध दिया। वहीं अगले दिन रविवार शाम 4 बजे से फिर से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें सबसे पहले बाउद्दीन डागर का रुद्र वीणा वादन हुआ। इसके बाद तेजस मजूमदार का सरोद वादन हुआ और उसके बाद विदुषी अश्वनी भिड़े देश पांडे की राग रागनियों से शाम गुलजार हुई। इस समारोह में देश के वरिष्ठ शास्त्रीय गायक साजन मिश्र ने भी शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति दी। दरअसल स्पीक मैक युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए एक प्रयास है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए संस्था देश के कुशल कलाकारों से युवा को रूबरू करवाती है। इसके तहत भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य, लोकगीत, कविता, रंगमंच, पारंपरिक चित्र, शिल्प और योग के कार्यक्रमों को स्कूल और कॉलेजों में आयोजित किया जाता है। नए और पुराने कलाकारों को युवाओं से परिचित कराने के लिए फेस्ट और कन्वेंशन आयोजित कराए जाते हैं। स्कूल और कॉलेज में पढ़ रही युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए सांस्कृतिक मुहिम की शुरुआत वर्ष 1977 में की गई थी।